और एक चीज हम और आपको क्लियर करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमने जस्ट हमने दो हम लोगों ने यूज किया है क्लास लास्ट क्लास क्लास प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोगों ने रेफरेंस दिया। तो जब वो सर्च करेगा प्रॉपर्टी की वैल्यूज तो ऐड से उसे मिल जाएगी सारी वैल्यूज, लेकिन अगर आप जो है इसकी जगह पर आपको स्प्रिंग आपको प्रोवाइड करता है ऑटो स्कोप ऑटो है। ऑटो वायर्ड, ऑटो वायर्ड में जो है आप पास कर सकते हैं ऑटो वायर और ऑटो वायर्ड, ठीक है। तो बाय नेम है आपका, क्या हुआ, हेलो कह यस सर, यस सर, रहे हैं? हेलो। कह रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं सर। हाँ देखिए, ऑटो वायर हमने सेट कर लिया, ऑटो वायर हमने बाय नेम दिया, बाय नेम दे सकते हैं, बाय टाइप दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं, लेकिन अच्छा हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, उसके लिए फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो वायर जो है आपका वर्क जो करता है वो सेटर गेटर पर करता है, ओके। और हमने यहाँ पर इनिट फंक्शन दे रखा है। चलिए ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने हाँ नहीं एनिट मेथड दे रखा है तो फिर वो कॉल नहीं करेगा, लेकिन वहाँ सेटर गेटर बना रखा है ना, एड्रेस का तो दे ही रखा है, यस सर। देखते हैं हो सकता है लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज है सेटर गेटर की जगह आपका जो, अगर आप यूज कर रहे हैं ऑटो वायर, वहाँ पर आपको इक्वल टू बाय नेम, तो अब बाय नेम या ऑटो वायर आप यूज कर ले रहे हैं तो यहां पर प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, ओके सर, ठीक है। ठीक है। और यहां पर जो हमने ऐड दे रखा है तो इसका नेम और जो इस एड्रेस सॉरी स्टूडेंट ने डिक्लेयर कर रखा है ये दोनों सेम होना चाहिए, बाय नेम अगर आप यूज कर रहे हैं तो, ओके ठीक है सर, ठीक है। अगर बाय नेम यूज कर रहे हैं तो ये दोनों नेम आपके सेम होंगे, ओके ठीक है। ठीक है। तो ऑटो वायर का यूज एक्चुअली भी बहुत होता है और स्प्रिंग आपको इसका एनोटेशन भी आपको प्रोवाइड करता है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, ये आपका जो है इंटरफेस हो या क्लास सभी का ऑब्जेक्ट से आपका लिंकिंग ऑटो ऑटोमेटिक कर देता बाय नेम, बाय कंस्ट्रक्टर, और थर्ड क्या था सर? बाय टाइप, बाय डिफॉल्ट बाय टाइप ही होता है, ओके, बाय टाइप, ठीक है सर। टाइप मतलब जो हम आईडी दे रहे हैं। यस। ना 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 ना, उस वेरिएबल का जो टाइप है, ओके, इंटीजर टाइप की है, फ्लोट, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, वैसे इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप तो नहीं होगा, हाँ क्योंकि वो, क्लास ले रहे हैं हम, रेफरेंस यस ले सर, रहे हैं तो क्लास होगा, तो जो भी यस क्लास सर, का नाम है वो आप देंगे। ठीक है। रोल नंबर हमने दे दिया, स्टूडेंट का नाम जो है हमने दे दिया, कोर्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये आपका वर्क कर गया, क्योंकि तो जी आपका जो एड्रेस था वो सेटर गेटर हमने दे रखा था, तो ये सेटर गेटर के बेस पे इसने ले लिया, तो जब भी आप बाय नेम या बाय टाइप यूज करेंगे तो सेटर गेटर पे ही वर्क करता है ये, ठीक आप है। जो है उस पर वर्क नहीं करते, कंस्ट्रक्टर पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, और अगर आप जो है कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक वो है सर, कंस्ट्रक्टर के बेस पर ही वर्क करेगा फिर, ठीक ठीक है, है। ठीक है।